जय जगन्नाथ। मु दयानिधि त्रिपाठी, जगन्नाथ संस्कृति गवेषक और प्रवचक, आपण को स्वागत करुच्ची भक्ति समर्पणर ए नूतन अध्याय को श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य। या धारावाहिक भाव में आगे कहबी, आज किंतु प्रथम कहबी जे ब्रह्मदारुर महात्म्य कौन, ब्रह्मदारु कहीं आसी ये ब्रह्मदारुर महात्म्य आपण को कहबी। तेणु प्रथम जगतर नाथ जगन्नाथ पाखे मुझक समर्पित करुच्ची, आपण मानक स्वागत करुच्ची। आसतु जानवा आम मनरे गोटाए प्रश्न रही, आमर विग्रह तो दारुर शरीर एवं ता भितर ब्रह्म स्थापित होकर दारु ब्रह्म होती, तेब आम श्लोक कहीं ब्रह्मदारु बोली कहूँ। श्लोकटी आपण मैने समस्ते जानी, नीलाद्रु शंख मध्य सतदल कमले रत्न सिंहासन स्तंग सर्वालंकार युक्तंग नवघन रुचिरंग संयुक्तंग चाग्रजेन भद्राया वाम भागे रथ चरण युतंग ब्रह्मा रुद्रेन्द्र वंद्यम वेदानां सारमीसं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु भजे अहं। ये ब्रह्मदारु भजे अहं टी कौन, आम तो दारु ब्रह्म भजे अहं कही पारी थांते, कहीं ब्रह्मदारु भजे अहं कहले कही हुए तो भावी पारंती दारुरे ब्रह्मयुक्त होकर दारु ब्रह्म, सेमती ब्रह्मरे दारुयुक्त होकर ब्रह्मदारु ना, ये भूलरे एमती हो जाइछि बोली कही भावी पारिबे, किंतु भूल नुहे। याकु मध्य कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रे भंज लेखिले, भक्ति मुक्ति फल अछि न देखन्ति केहि स्वभाव रे ब्रह्म दारु व्यस्त पदे रही। तेणु ये ब्रह्म दारु निश्चय किछि आसीछि, आउ सही होउछि श्रीक्षेत्र महात्म बा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मर मूल कथा। ये ब्रह्मदारु कहीं आसला, किभली भाव में आसिक पहुँचला, यार गपगुड़िक आम जानवा गोटे पर गोटे। आज केवल मुबी जितेबले विद्यापति जाती जे महाराज मु नीलमाधव को दर्शन करी, नीलमाधव को दर्शन कर गोटे मालाटीए नहीं आपण आसी श्रीअंग माला, आपण यह ग्रहण करतु। से जेतेबले ग्रहण करिछंति इंद्रदम्न देखिछंति मालाटी सेभली भाव रे सतेज अति सुगंधित अच्छी, से ब्रह्मंक परम ब्रह्मंक देहरे लागि हेथिबारु ब्रह्मत्व प्राप्ति हेछि तार। तेणु एभली माला को देखिकरि विगलित हो जाइछंति, विहोलित हो जाइछंति राजा इंद्रदम्न। राजा इंद्रदम्न होछंति अवंतीर राजा, अवंतीर राजा से काहिकि विद्यापतिंकु पठेले ता मध्य एक सुंदर गल्प। ये गल्प भितर जड़े जेतेबले ब्रह्म स्वरूप को जानवापी राजा व्याकुल थिले, जड़े जटिल सन्यासी पहुँचिकी आपण जातु उत्कल देशर नीलाचल धाम रे नीलगिरी पर्वत रे नीलमाधव नीलकांति मणि सदृश विग्रह नीलमाधव उपवेशन करी होती परम ब्रह्म। ये कथा शुणा पर अवंतीर राजा कौन कले देखापी विचलित हो पड़े, एवं पुरोहित कहले आपण केमी किभली व्यवस्था करूँ, किभली भाव में जाकर से ब्रह्म को दर्शन करी। ये अवस्था कौन कले से कले, ठीक अच्छे महाराज आपण विचलित हूँ ना, मोर सान भाई विद्यापति को प्रेरण करी, आम चारिदिग को दूत प्रेरण करवा, उत्कल को आम विद्यापति को पठेबा, कारण विद्यापति हेले समस्त विद्यार अधिपति, से अत्यंत चतुर, तेणु तांको आमे पठेबा। एवं विद्यापति जेतेबले आसिकरी विश्वावसु मिसी सबर राजा विश्वावसु मिसी तांकर नीलमाधव दर्शन करी, स्कंद पुराण कहे ये नीलमाधव दर्शन करने जड़े ब्राह्मण आसिकरी पहुँचे बोली विश्वावसु जानी, एवं परे राजा जड़े आसवे एक विश्वावसु जानी, तेणु से विश्वावसु को लेकर दर्शन करते। किंतु आउ केतक आम देवलतोला हो बा अन्य केतक ग्रंथरे अच्छी जे विश्वावसुंकर कन्या ललिता विवाह करने अनुरोध क्रमे तांकर बापा विश्वावसु कौन कले ना विद्यापति निजर जामाता विद्यापति को लेकर नीलमाधव पाखे दर्शन कराइले, एवं नीलमाधव पाखे दर्शन कराला साक्षात माधव को दर्शन
करिबा परे आपण माने जानिछंती ये जो क्षेत्र ये क्षेत्र होची सर्व पुरातन क्षेत्र सर्व उत्तम क्षेत्र सर्वेषां सर्व क्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तम सर्वेषां सर्व देवानां राजा श्री पुरुषोत्तम ये भली क्षेत्र जी सबु क्षेत्र मानक मध्यरे राजा से काही के सबु क्षेत्र माने मध्यरे राजा इठी तीनोटी अछि तीर्थ गोटी अछि रोहिणी कुंड एवं कल्पवट जुग जुग कल्प कल्प धरी जो बट अछि एवं रत्न सिंहासन जोठी के इंद्र नीलमणि सदृश विग्रह नीलमाधव विराजमान करुथिले ये तीनोटी स्थान प्रलय जलरे मध्य बुड़ी नथिला ये तेणु ये तीनोटी स्थान एठी थिबारु ये क्षेत्र हैला सर्वोत्तम क्षेत्र ये भली क्षेत्र रे पहुंचि करे विद्यापति जेतेबेले माधव को रोहिणी कुंड रे स्नान करिकरि तापर जाइकरि माधव को दर्शन करिछंति साक्षात परम ब्रह्मंकर दर्शन आपण माने जानिथिबे जे समस्त पुराण से ब्रह्म पुराण हो पद्म पुराण हो स्कंद पुराण हो बा नीलाद्री महोदय हो सबुथरे लेखा हेछि जे नीलमाधव को कौनसी मनुष्य देखि नथिले केवल विश्वावसु एवं विद्यापति छड़ा नीलमाधव को पूजा किए करुथिले ना देवता माने पूजा करुथिले सबु देवता प्रतिदिन आसिकरी नीलमाधव पूजा करुथिले कारण सी थिले स्वयं विष्णु स्वरूप तेणु एभली भाव में जितेबले दर्शन करिछंती माधवंकर नीलमाधवंकर सेतेबले कौन होती विद्यापति जानिछंती जे मोर परम ब्रह्म दर्शन होगला मुझे फेरबी मुझे रहीजी बोली से विश्वावसु कहते विश्वावसु कहते नाई ना तुम्हें ये रे इतिहास केमी रचना हे तुम्हें जाओ तुम रजा को खबर दब राजद्रोही ना मोर आउ कौन दरकार मु तो माधव को दर्शन कर सारी मोक्ष प्राप्ति मोर दरकार मु तो मोक्ष होजी मुझे जीवी ना तुम्हें जाओ रजा तुमको पठेले के आशा करे बसी सी आसिले एटी पूरा चतुर्धा मूर्ति निर्माण हम ये चतुर्धा मूर्ति निर्माण हबार जो इतिहास सी हूँ ब्रह्मदारूर इतिहास जेतेबले रजा आसिकरी पहुंचंती आपण माने जानिथिबे जो गुंडीचा घर बोली आमे कहुचे से गुंडीचा घर टी होउची जन्मवेदी बा अंतरवेदी से गुंडीचा घर पाखरे रजा कौन करिछंती आदि नृसिंह स्थापन करिकरी सेठी यज्ञ करिछंती नारदंक परामर्श रे सहस्र अश्वमेध यज्ञर आयोजन करिछंती एवं से अश्वमेध यज्ञ समापन दिन पूर्णाहुति दिन कौन है ये शंख क्षेत्र जोठे बिल्वेश्वर अच्छा से पाखरे नुआ नई मुहाण पाखरे आसिकरी ब्रह्मदारु लगी ब्रह्मदारुटी कौन ना तदंग स्फलित रोम विष्णुंकर अंगरु गोटे लोम पड़ी जाइकरी सी कौन है ना तरुरे रूपांतरित हो जाए गोटे तरुरे रूपांतरित हो दारु स्वरूप होकरी आसिकी लगी गोटे दारु तीनोटी शाखा किंतु गोटे दारु होकरी आसिक लगी मूलटी लगी कूल शाखा गुड़िक अच्छी कौटी ना समुद्र महोदधि भितर ये महोदधि भितर जितेबले ब्रह्मदारु आसिकी लगी अंचल सुवासित हो जाए सुगंधित हो जाए जी देखी सी आसिकी रजा को कही महाराज एक सुंदर दारु आसिकी समुद्र कूल लगी आपण शीघ्र आसतु सर्वलक्षण युक्त दारुटीए आपण ये दारुटी के देखा को आसतु एवं रजा आसिकी जितेबले देखी जापारी जे तांकर अभीष्ट पूर्ण पूर्ण हवाक जाऊँ सी जो चतुर्था मूर्ति को परम ब्रह्म को खोजुले से परम ब्रह्म शरीर गढ़ा हाँपाय ब्रह्मदारु आसिकी लगी जा एवं से ब्रह्मदारुर जो उपाख्यान अच्छी आपण माने आश्चर्य हेबे से ब्रह्मदारु को तो अनेक शोभायात्रा करी शगड़ी निर्माण करी कहा जाए रथजात्रार प्रथम आरंभ से उठू हेछि बोली काहेकि ना से दारु को शगड़ी निर्माण करी सेतेबेले रास्ता घाटर एते सुविधा नथिला बाली भितरे से माने अत्यंत श्रम स्वीकार करिकरी शगड़ी निर्माण करिकरी से दारु को ऊपर लदी एवं दारु ब्रह्म हिसाब से ब्रह्म दारु हिसाब से अनेक पूजा अर्चना करी अनेक जगजमाक नहीं करी आसिले कीर्तन होउची
भजन चली भाव आसिले कौटिक नाई रत्नवेदी पाखक रत्नवेदी नु अंतर्वेदी पाखक जन्मवेदी पाखक जो गुंडीचा जो वर्तमान गुंडीचा रही वेदी टी निर्माण होता यज्ञ होता से वेदी पाखे ये चतुर्धाम मूर्ति निर्माण कार्य तापरे आरंभ होभली भाव आरंभ हो किए ताकु करी ये उपाख्यान आम जानिबा आरथर को एथर यतिकि जे ब्रह्म दारु आसिला विष्णुंकर अंगरु पड़ीथिबा गोटे लोम रूपांतरित हेकिरि ब्रह्म दारु भावरे आसिकिरि लागिला यतिकि कहुची आपण माने आरथर को निश्चय शुणिबे ये ब्रह्म दारु किभली भावरे चतुर्थामूर्तिरे परिणत हेले सेतिपई अपेक्षा कली। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।